जबकि ऊपर यानी क्षोभ मंडल में इस धरातलीय कुछ वारदात के ऊपर उच्च तलिए में वादा बनता है जबकि ऊपर यानी छोटे मंडल में इस धरातलीय उच्च वादा के ऊपर उच्च तलिए में वादा बनता है इस प्रकार
तो यहाँ पर ऊपर
वायुदाब धरातल पर स्थित होने के लोन होता है और ध्रुव के ऊपरी हिस्से में निम्न वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में जो चक्रवाती हवाओं का मौसम बनता है, चक्रवात वही उत्तरी गोलार्ध के शीतकालीन मौसम में दीर्घ निवारण की रात के कारण ऊपर स्थित वायु अत्यधिक ठंडी होकर भारी हो जाती है। जिस कारण धरातल पर उच्च वायुदाब बन जाता है, धरातल पर उच्च वायुदाब बन जाता है, जबकि ऊपर से नीचे वायु के सरकने के कारण ऊपर से नीचे वायु के सरकने के कारण वायुमंडल के ऊपरी भाग में वायुमंडल के ऊपरी भाग अर्थात क्षोभमंडल में वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऊपर निम्न दाब के ऊपर निम्न दाब बन जाता है इस कुछ करिए निम्न दाब के चारों ओर एशिया के ऊपर निम्न दशा सामान्य रूप से एशिया के ऊपर निम्न दशा दिशा परिवर्तन है। एशिया के ऊपर दिशा सामान्य रूप से पश्चिम से पूर्व होती है।
क्षेत्र होगा ना, ये परिधि भवन वाला क्षेत्र होगा। यस सर।
तीन नामक हो गए आपके, जो यहाँ पर होगा ऊपर वाला वाला कहलाएगा, जो 30-35 से 60% तक पछुआ वाला जेट कहलाएगा ऊपर, ये पछुआ जेट है, ठीक है, 30-35 से 60% के बीच में चलेगा ऊपर वाले हिस्से, पछुआ जेट हो जाएगा, है ना, जिस डिजन के बारे में तो आप जान ही रहे हो को चल रही है ना। अभी आप लोगों को एक चीज मैंने दिखाई है कि हवा की दिशा क्या होती है, पौधे में बताया है, सीधे सीधे मैंने बता दिया, यहाँ पर एक हवा के बारे में बताया है, यहाँ से चल रही है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है, ये लिखा है क्या कह रहा है वो, पश्चिम से पूर्व होता है और हाँ देखो इसके बाद एशिया के ऊपर इसकी दिशा समान रूप से पश्चिम से पश्चिम से पूर्व। अब देखो एशिया के ऊपर बेटा क्या होगा, बात किसकी हो रही थी, एशिया पश्चिम से पूर्व नहीं हुआ, पश्चिम से पूर्व हुआ ना हुआ, यानी कहने का मतलब जो व्यापारिक हवाओं का क्षेत्र है पूर्वा हवाओं का क्षेत्र, इसके ऊपर जो हवा चलेगी पछुआ चलेगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर जा रहा है तो पछुआ हुआ ना ऊपर का हिस्सा, और यहाँ पर नीचे पूर्वा ऊपर पछुआ, ऊपर है पछुआ चाहिए तो जट पछुआ चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा जट ऊपर, यहाँ पर पूर्वा जट नहीं होगा, यहाँ पर पूर्वा जट का क्षेत्र है तो पूर्वा ये है कि हवा है, यहाँ पर जो हवा होगी पछुआ जट, पछुआ जट समझे, पछुआ जट होगी पूर्वा जट, क्योंकि हवा नीचे की यहाँ पर पछुआ है, तो हवा का क्षेत्र क्या है पछुआ, ये हवा है पछुआ, ये पछुआ हवा है नीचे का, तो पछुआ हवा में जब है नीचे तो ऊपर होगी और अगर नीचे क्या है, ये है आपका पूर्वा हवा है, पूर्वा हवा है तो जेट कौन सी हो जाएगी पछुआ, यहाँ पर वाले हिस्से से ऊपर होगी सौमंडल के में चलने वाली ये बताते हैं कि लाइट इस निर्माण करके सहायक हो जाता है, उसको जाकर देख लिया फिर क्या जहाँ कुछ करता है गुंजर देता है, तो जैसे बिजली वाली यहाँ पे लाइट नहीं है तब भी बिजली में तो देना नहीं होता है, ये कनेक्शन डर नहीं किसी से कहते हैं लाइट चलाते हैं अत्यधिक तीव्र गति के पवन प्रवाह क्षोभमंडल, अब देखो बेटा ये ऊपर जाएगा तो क्षोभमंडल तो होगा यस सर, धरातल ऊपर वाला हिस्सा है ना, तो जेट हवाएं किस में चलती हैं क्षोभमंडल, ठीक है, यस सर, यस सर, क्षोभमंडल में चलने वाले अत्यधिक तीव्र गति के पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम की संख्या दी जाती है, पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम की संख्या दी जाती है, वायर आएगा 150
लिखा है उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जय, उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जय, पछुआ जय चौथा है उष्णकटिबंधीय पूर्वा जय, उष्णकटिबंधीय पूर्वा जय प्रासंगिक है या प्रासंगिक है।
या बड़ा मुझे होता है
क्लियर है। यहाँ पर तीन बात है, ये दुनिया का पछुआ क्षेत्र, पूर्वा हवाओं के क्षेत्र के ऊपर पछुआ हवा होना चाहिए, पछुआ के पछुआ हवाओं के क्षेत्र के ऊपर पूर्वा जगह होना चाहिए। उत्तर पूर्वी प्रवाह है, ठीक। भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य, भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए यही चीज कंपनी जिम्मेदार है लाने को, कंपनी जिम्मेदार है।
धर्म व काल प्रभाव को उत्पन्न किया गया। भारत में संवहनीय वर्षा क्रांति है, संवहनीय वर्षा क्रांति इस प्रकार भारत में मानसून का प्रस्फोट हो जाता है। इस प्रकार भारत में मानसून का प्रस्फोट हो जाता है। हिमालय पर्वत की क्या भूमिका है, क्योंकि हम लोग कर लेते हैं।